नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव बिहार में और मैं हूं आपके साथ मनीषा। सुशासन की सरकार में पुलिस कर्मियों द्वारा यह गलत काम कब तक चलेगी? बिहार के अरवल से एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सरकार के पास पैसों की कमी हो गई है या फिर पुलिसकर्मियों के घर के खर्चे बढ़ गए हैं? अब ये तो वही जाने। अरवल सदर प्रखंड अंतर्गत बैदराबाद NH 139 पर अरवल पुलिस के द्वारा चलती ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली करने का वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन वीडियो में साफ साफ पुलिस के द्वारा ट्रक ड्राइवर से पैसा लेते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में पुलिस गश्ती की गाड़ियों से अवैध वसूली करने का वीडियो वायरल होते कई बार देखा गया है, लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा सिर्फ कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ किया नहीं जाता। आपको बता दें कि सोन नदी से बालू निकासी को लेकर अरवल में कई दिनों से ट्रकों की लंबी कतारें देखी जा रही थी, जिसके कारण NH 139 पर जाम लगा रहता था। लोगों की आवाजाही ठप हो गई थी। अरवल के लोग जाम से कड़ा रहे थे और पुलिस जाम से निजात दिलाने में अपनी दिलचस्पी भी दिखा रही थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस अपनी जिम्मेवारी से भटककर ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली करने में जुट गई, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार यह वीडियो 14 जून 2021 का है, जिसमें अरवल पुलिस के द्वारा बैदराबाद में सड़कों पर अवैध वसूली की करने की बात कही जा रही है। वही बीते दिन जिले के मेहंदिया थाने की पुलिस के द्वारा भी चलती ट्रक ड्राइवर से पैसा वसूलने का वीडियो कथित रूप से वायरल हुआ था। जब इन वायरल वीडियो को लेकर जिले के आला अधिकारियों से हमारे विश्वनाथ कुमार ने संपर्क किया, तो अधिकारी स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने से बचते नजर आए। जब इन वायरल वीडियो को लेकर जिले के आला अधिकारियों से हमारे रिपोर्टर विश्वनाथ कुमार ने संपर्क किया, तो अधिकारी स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने से बचते नजर आए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स जानने के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।